हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसका अपना अध्याय चल रहा था तीसरा, आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी एवं लक्षण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय, जिसके बारे में कल के क्लास में अपन ने पर्ण शिरा विन्यास में जालिका व्रत के बाद समांतर शिरा विन्यास अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पर्ण फलक की कोर की संरचना के आधार पर पर्ण शिरा विन्यास ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब अपन पढ़ते हैं पर्ण के रूपांतरण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पत्तियों के रूपांतरण के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, पर्ण के रूपांतरण क्या है? पर्ण के रूपांतरण पहला है पर्ण प्रतान। पहले अब पर्ण क्या होते हैं, कुछ जैविक कार्यों के लिए, या कुछ भौतिक कार्यों के लिए क्या करते हैं, खुद में रूपांतरण कर लेते हैं। पौधे अपने पत्तियों के पत्तियों में रूपांतरण कर लेते हैं, पर्ण में रूपांतरण कर लेते हैं। ठीक है, अब उन परिवर्तन कर लेते हैं, उनके आधार पर कुछ परिवर्तनों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि वो किस कारण क्या होते हैं पर्ण रूपांतरित होते हैं। पहला है पर्ण प्रतान। इसमें क्या होता है, पौधे का पूरा पत्ता या पत्ते का कोई भाग क्या होता है, पर्ण या पर्ण का कोई भाग क्या होता है, कुंडलित धागे के रूप में, एक कुंडलित पतली हरी संरचना कुंडलित धागे के रूप में बदल जाता है, जो क्या करता है, आरोहण का कार्य करता है, आरोहण करवाने का कार्य करता है। पर्ण प्रतान में क्या होता है कि पर्ण या पर्ण का कोई भाग, पर्ण या पर्ण का कोई भाग क्या होता है, भाग पतली लंबी हरी व चपटी कुंडलित धागे नुमा संरचना में बदल जाता है, जो आरोहण का कार्य करता है। आरोहण का कार्य करता है मतलब किसी पौधे को पकड़कर ऊपर चढ़ने में, पौधे की ऊपर की तरफ गति करवाने में सहायक होता है। जैसे मटर, एग्जांपल के लिए मटर, ये मटर के बाद में इस प्रकार से पाया जाता है। दूसरा है हमारा पर्ण अंकुश। अंकुश का मतलब होता है हुक, जो हुक पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो पर्ण अंकुश में, पर्ण जो होते हैं वो अंकुश में हुक में रूपांतरित होकर आरोहण का, आरोहण में सहायता करते हैं। पर्ण अंकुश या हुक में रूपांतरित होकर आरोहण में सहायता करते हैं, जैसे एग्जांपल बिगोनिया, ठीक है। तो ये पर्ण अंकुश के बारे में था।
तीसरा है पर्ण शूल के पर्ण। तीसरा जो रूपांतरण है पत्तियों का वो है पर्ण शूल। तीसरा रूपांतरण है अपना पर्ण शूल के बारे में। इसमें क्या होती है पर्ण शूल के रूप में कांटों के रूप में बदल जाती है। कब बदलती है? मरुस्थलीय पादपों में, जैसे मरुस्थलीय पादपों में पानी की हानि को रोकने के लिए, अर्थात वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है पानी पौधे के शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो पानी की हानि मरुस्थल में तो ऑलरेडी क्या होता है पानी की कमी होती है, वहां पर भी अगर इसी प्रकार लगातार वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती रही तो क्या होगी पानी की हानि बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो सूख कर मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो इससे बचने के लिए पत्तियां क्या हो जाती है पर्ण शूल में कांटों के रूप में रूपांतरण हो जाती है। अर्थात वाष्प उत्सर्जन से जल की होने वाली हानि को रोकने के लिए पर्ण कांटों में और सुरक्षा अपनी अन्य जीवों से सुरक्षा के लिए क्या करती है अपने पर्ण पौधे अपने पर्ण को कांटों में शूल में रूपांतरित कर लेते हैं, जैसे नाग फणी शतावरी आदि में होता है। तो देखिए वाष्प सर्जन से होने वाली जल की हानि तथा सुरक्षा हेतु अन्य पादपों या अन्य जंतुओं से सुरक्षा हेतु पर्ण शूल में रूपांतरित पर्ण शूल में रूपांतरित हो जाते पर्ण शूल में रूपांतरित हो जाते एग्जाम्पल जैसे नागफणी सतावरी इन सब पादपों में ये पाया जाता है। अब इनमें क्या होता है वाष्प उत्सर्जन से जल की हानि को और खुद की सुरक्षा के लिए पौधे के पत्तियां क्या कर लेती हैं कांटों में शूल में रूपांतरण हो जाती है। शल्कपण अगला रूपांतरण है शल्कपण के बारे में, जो भोजन संचय या सुरक्षा के लिए पर्ण किसमें बदल जाते हैं शल्क में रूपांतरित हो जाते हैं। चौथा है अपना शल्कपण। शल्क पर्ण में क्या होता है देखिए भोजन संचय ये भोजन इकट्ठा करने या भोजन संचय या सुरक्षा के लिए पर्ण शल्क में रूपांतरित हो जाते पर्ण किसमें रूपांतरित हो जाते हैं शल्क में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर है पर्णाभव्रंथ में क्या होता है जो पर्ण होता है जो पर्ण व्रंथ होता है वो क्या करता है फैलकर चपटा हो जाता है और एक पत्ती के समान कार्य हरा हो जाता है। फैलकर चपटा और हरा होकर पत्ती की तरह कार्य करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। देखिए इसमें क्या होता है पांचवा है अपना पर्णाभ व्रंथ। इसमें पर्ण व्रंथ पर्णवंत फैलकर चपटा पत्ती के समान हो जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। पर्णाभ व्रण। उसके बाद फिर है गत पादप, छठा है गत पादप। गत पादप में क्या होता है? घड़े की तरह बन जाते हैं। पौधे क्या होते हैं? शिकार के लिए घड़े की तरह बन जाते हैं। कैसे? जो फलक होती है, पौधे की जो फलक होती है वो तो कैसी बन जाती है? वो तो बन जाती है अपने पौधे की जो फलक होती है वो पौधे की जो फलक होती है वो क्या करती है? फलक होती है वो घड़े की तरह और पर्ण शिखाग्र क्या करता है? पर्ण शिखाग्र ढक्कन की तरह कार्य करता है और ये कीटों को पकड़ने के लिए होता है। देखिए कीटों को पकड़ने के लिए पर्ण फलक घड़े या ऐसे कर लेते हैं गट के समान तथा पर्ण शिखाग्र ढक्कन समान संरचना में बदल जाता, ढक्कन समान संरचना में बदल जाता है। फिर है अपना, तो ये होता है, ये कीटों को पकड़ने के लिए होता है। किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार का होता है लगभग, अपने छोटी क्लासों में पढ़ा हो, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऊपर का मुंह होता है, ठीक है, नीचे ये गड़े की तरह आकार का होता है, ठीक है। ये अंदर वाली सतह चिकनी होती है, जैसे इन पर कोई कीट बैठता है, ठीक है, वो फिसल कर कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है। और यहाँ एक ऊपर ये जो शिखाग्र होता है पत्ती का, वो ढक के समान होता है, वो यहाँ पर ढक जाता है, ठीक है। अंदर फिर इस कीट को पाचन एंजाइमों द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर है अगला ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट सातवां रूपांतरण है ब्लैडर वर्ट। ब्लैडर वर्ट में क्या होता है? देखिए ब्लैडर वर्ट में पौधे की पत्ती जो पर्ण फलक होती है वो कीटों को पकड़ने के लिए विशेष प्रकार की थैली में परिवर्तित हो जाती है। पर्ण फलक कीटों को पकड़ने के लिए विशेष प्रकार की थैली में रूपांतरित हो जाती है। विशेष प्रकार थैली में रूपांतरित हो जाती है। तो ये हमारे थे पर्ण के रूपांतरण के बारे में। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप इसका। देखो तो ये पर्ण के कुछ रूपांतरण के बारे में अपन ने पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन पर्ण के कार्य के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन पर्ण का जो आखिरी टॉपिक है पर्ण के कार्य। पत्ती क्या क्या कार्य करती है? सामान्यतः सबसे इंपोर्टेंट पत्ती का कार्य है हरी होती है, पर्ण हरित इसमें पाया जाता है। पहला कार्य होता है इसका प्रकाश संश्लेषण का, सबसे महत्वपूर्ण
कार्य होता है। ये कार्बनिक खाद्य निर्माण का कार्य करती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। फिर है ये पौधे के शरीर व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान करने में भी सहायक होती है, गैसों का विनिमय भी करवाती है, ठीक है, क्योंकि पत्तियों के रंध्रों द्वारा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया पौधे के अंदर जल को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया वाष्प उत्सर्जन क्रिया है, जिससे आसपास के वातावरण में नमी बनी रहती है, ठीक है, वो क्रिया करने का कार्य भी पत्तियों द्वारा ही होता है। खाद्य संग्रह, कुछ एक पत्तियां होती है वो खाने के संग्रह करने के लिए काम भी आती है। फिर कुछ एक पत्तियां कायिक प्रवर्धन करने के लिए, अर्थात कायिक जनन करने के काम में आती है। कुछ एक होती है आरोहण, कुछ एक पत्तियां या पत्तियों का कोई भाग क्या करता है, आरोहण पौधे को ऊपर की तरफ गति करवाने के में सहायक होता है। और आत्म सुरक्षा, कुछ एक पत्तियां या पत्तियों का कोई भाग किसमें बदल जाता है, कांटों के रूप में बदल जाता है, और बदल कर क्या करता है, अपनी खुद की पौधे की सुरक्षा करने का कार्य करता है। तो पत्तियों के कुछ कार्य, पहला है कार्बनिक खाद्य का निर्माण, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। कार्बनिक खाद्य का निर्माण करना किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है पौधे तथा वायुमंडल के बीच, पौधे तथा वायुमंडल के बीच गैसों के विनिमय का कार्य, गैसों के विनिमय का कार्य भी कौन करता है, हमारे पत्तियां ही करती है। फिर तीसरा है हमारा वाष्पो, वाष्पो उत्सर्जन का कार्य, तीसरा है हमारा वाष्पो उत्सर्जन का कार्य भी कौन करता है, हमारी जो पत्तियां ही करती है, वाष्पो उत्सर्जन का कार्य। चौथा है हमारा खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह का कार्य कौन करते हैं, खाने के संग्रह का भी कार्य, पत्तियां अपने आप में रूपांतरित होकर पत्तियां गुद्देदार हो जाती है और खाने के संग्रह का कार्य करती है। पांचवा है कायिक प्रवर्धन, कई पत्तियां क्या करती हैं, नए पौधे को उगाने में काम आती हैं, ठीक है। जैसे पत्थर चट्टे की अपन ने एक पत्ती के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लासों में, जिस पर से कई सारी कलिकाएं निकलती हैं, वो कलिकाओं युक्त पत्ती जब टूटकर जमीन पर गिर जाती है और दब जाती है, तो फिर अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है, ठीक है। फिर है आरोहण, छठा कार्य होता है आरोहण का, जो भी अपन आरोहण का कार्य करती है, पत्तियां या पत्तियों का कोई भाग क्या करता है, दूसरे पौधे या दूसरे किसी भौतिक साधन का सहारा लेकर पौधे को ऊपर की तरफ गति करवाने का भी कार्य पत्तियों द्वारा ही होता है। और छठा सातवां है हमारा आत्म सुरक्षा, कई पौधे की पत्तियां कांटों में या कई जहरीली पदार्थों में बदलकर खुद की सुरक्षा का कार्य करती है, खुद की सुरक्षा का कार्य करती है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। तो ये था हमारे पर्ण के ऊपर जो अपनी आज की
अपन ने पढ़ा पर्ण के रूपांतरण और पर्ण के कार्य के बारे में। अब अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस अध्याय का जो लास्ट टॉपिक है, पादप का जो अंतिम भाग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और कई बार इसी से कई सारे सवाल बनते हैं, पुष्प के बारे में अपन पढ़ेंगे। पुष्प फूल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पुष्प क्या होता है, देखिए पुष्प क्या होता है। पुष्प परोतंत्र की एक शाखा का रूपांतरण माना जाता है। जो पुष्प है वो कोई पौधे का अलग भाग नहीं है, बस पौधे की जो शाखा होती है वही रूपांतरित होकर क्या बनाती है, हमारा फूल बनाती है, पुष्प बनाती है। और ये जनन के लिए पर्णों के विशेष रूपांतरण में बनता है। और ये क्या होता है, एक तो शाखा का रूपांतरण माना जाता है और जनन क्रिया के लिए ये पत्तियों का विशेष रूपांतरण बनता है, पत्तियों का विशेष रूपांतरण माना जाता है, ठीक है। पुष्प के बाह्य दल दल पुंकेसर व अंडेसर अंडम आदि को पर्ण के रूपांतरण माने जाते हैं। पुष्प के जो अंदर पाए जाने वाले पुंकेसर स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर जो नर जनन भाग है, स्त्री केसर जो मादा जनन भाग है, पुंकेसर स्त्री केसर बाह्य दल दल, ठीक है, ये सब खुद पर्ण के रूपांतरण माने जाते हैं। जो पुष्प है वो क्या होता है, यह परोह तंत्र की शाखा का रूपांतरण है, जो यह परोतंत्र की शाखा का रूपांतरण है, जो पर्णों के विशेष रूपांतरण से, जो पर्णों पुष्प है वो पर्णों यानी पत्तियों के पर्णों के विशेष रूपांतरण से बनता है, विशेष रूपांतरण से बनता है। अब पुष्प का जो पुष्प के जो पुंकेसर स्त्री केसर दल बाह्य दल ये सब होते हैं, वो पर्णों के रूपांतरण है। पुष्प के बाह्य दल पुष्प के बाह्य दल दल पुंकेसर स्त्री केसर पुष्प के बाह्य दल दल पुंकेसर स्त्री केसर आदि पर्णों के रूपांतरण माने जाते हैं, पर्णों के रूपांतरण माने जाते हैं, पर्णों के रूपांतरण ये माने जाते हैं। देखिए पुष्प की संरचना, ये तो था पुष्प के बारे में नॉर्मल सी हमारी जानकारी है, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते पढ़ते पुष्प की संरचना में क्या होता है। पुष्प का खुद का एक पुष्प व्रंथ पाया जाता है, जैसे पत्ती का जो पर्ण व्रंथ था वैसे पुष्प का भी एक डंठल होता है पीछे की तरफ, जिसे पुष्प व्रंथ कहते हैं। ये खुद का पुष्प का एक अक्ष होता है, पुष्प व्रंथ कहते हैं। पुष्पों में दो सहायक अंग होते हैं और दो ही आवश्यक अंग होते हैं। तो देखिए पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प का स्वयं का एक मुख्य अक्ष होता है जिसे पुष्प व्रंथ कहते हैं, जिसे पुष्प व्रंथ कहते हैं। दो
अंग होते हैं। देखिए पुष्प में दो सहायक अंग कौन कौन से? बाह्य दल और दल और तथा दो आवश्यक अंग, दो आवश्यक अंग उमंग व जायान होते हैं। दो आवश्यक अंग उमंग व जायांग होते हैं। अब ये आपको पता है तो देखें, ये है अपने पुष्प। पुष्प के दो अंग होते हैं, कौन कौन से? दो तो होते हैं पुष्प के अंग होते हैं, एक तो सहायक अंग और दूसरा होते हैं आवश्यक अंग। सहायक अंग में देखिए पहला, सहायक अंग में देखिए पहला दो सहायक अंग दो होते हैं, एक तो बाह्य दल एक होता है दल आवश्यक अंग भी दो होते हैं, एक उमंग और एक होता है जायांग। ठीक है, इस जायांग को फिर से तीन भागों में बांटा गया है, अंडा से वर्तिका और वर्तिका। इस जायांग के भी कुल तीन भाग होते हैं, एक अंडा से वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो स्क्रीन शॉट ले लें आप इसका। पहला है सहायक अंग, पहला अपना है सहायक अंग, पहला है अपना सहायक अंग। क्या होता है सहायक अंग में देखिए पढ़ते हैं। सहायक अंग में होता क्या है देखिए, इस ये सहायक अंग क्या करते हैं, ये जनन संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। पहली चीज सहायक अंग का कार्य क्या होगा, नाम से पता चलता है ये सहायता करेंगे किसी ना किसी चीज, किस चीज को, किस कार्य को सहायता करते हैं, जनन संबंधी कार्यों को सहायता करते हैं, सहायक कार्यों में या जनन संबंधी अंगों को सहायता करते हैं। ये जनन संबंधी कार्यों में सहायता करते, इसमें करते हैं जनन संबंधी कार्यों में ये सहायता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपन ने सहायक अंग दो होते हैं हमें पता है, पहला है हमारा बाह्य दल, पहला है हमारा बाह्य दल। बाह्य दल में क्या होता है देखिए, अब बाह्य दल में होता क्या है, बाह्य दल में देखिए, बाह्य दल सबसे बाह्य, ये सबसे बाहर वाला होता है। ठीक है, और बाह्य चक्र जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। पहली चीज तो इसकी यही है, ये सबसे बाहर वाला, यह सबसे बाहर वाला अंग जिसका रंग
हरा होता है, जिसका रंग क्या होता है हमेशा हरा होता है, ठीक है, हरा होता है। बाह्य दल सबसे बाहर वाला, तो कोई भी पुष्प होता है, फूल होता है, अपन उसके चारों तरफ देखते हैं, पर्ण व्रंत होता है उसके पहले, ये इधर थोड़ा सा हरा होता है नीचे की तरफ, कोई भी फूल अपन उठा के देखेंगे तो उसके नीचे ये हरे कलर का, सामान्यतः ये हरे कलर का ही होता है और कोई कलर होता ही नहीं है। कार्य क्या है ये? अन्य अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है, यह अन्य अंगों की सुरक्षा का कार्य करता, ये क्या करता है? अन्य अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है, पहली चीज तो, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ होता है तो बाकी सारे जो अंग होते हैं दल, उनके पवंग, जाया, सब अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये सब पौधे इनके अंदर की तरफ पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? दूसरे अंगों का सुरक्षा का कार्य करते हैं। जो बाह्य दल पुंज होता है उसमें लगभग पांच, एक कम से कम पांच होते हैं। अब हर एक पुष्प के हिसाब से बाह्य दल पुंजों की संख्या, दल पुंज में संख्या अलग होती है, ठीक है। लेकिन बाह्य दल पुंज का प्रत्येक जो सदस्य होता है उसे बाह्य दल कहा जाता है, बाह्य दल पुंज के प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते, क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, प्रत्येक जो इसका सदस्य होता है उसको बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। तो ये तो है बाह्य दल के बारे में, जो हरे रंग का होता है, क्या करता है? अन्य अंगों की सुरक्षा, क्योंकि ये सबसे बाहर होता है तो बाकी सब अंग क्या होंगे? इसके अंदर होंगे, तो ये उन सब अंगों की क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। तथा बाह्य दल पुंज के प्रत्येक सदस्य को अपन बाह्य दल कहते हैं। अब बाह्य दल के अंदर जो दूसरा सहायक अंग पाया जाता है वो होता है हमारा कौन सा? दल पुंज। ये सामान्यतः हरे रंग के अलावा किसी भी रंग के हो सकते हैं, हरे रंग के अलावा किसी भी रंग के होते हैं, और ये बाह्य दल पुंज के अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं, हरे रंग के अलावा किसी भी रंग के हो सकते हैं। और बाह्य इसका जो प्रत्येक सदस्य होता है, बाह्य दल का प्रत्येक सदस्य को अपन दल कहते हैं, ठीक है। ये दल अब हरे रंग के अलावा ये कई सारे रंगों के होते हैं, इन रंगों से कीट आकर्षित होते हैं, अर्थात कीटों को आकर्षण का कार्य करता है, आकर्षित करने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है? परागण या पर परागण की क्रिया होती है, जिससे पुष्पों, एक पुष्प पर आकर ये इनके रंगों के आकर्षण के कारण क्या होते हैं? कीट आकर इन पर बैठते हैं, जिससे क्या होता है? कई सारे, जिससे कीटों के ऊपर पुंकेसर से परागकण चिपक जाते हैं कीटों के पंखों के ऊपर, और वो उड़कर फिर दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो परागकण वहां गिर जाते हैं, जिससे परागकण की क्रिया होती है। तो बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ आते हैं, तो दलपुंज क्या होते हैं? दलपुंज के बारे में थोड़ा सा, ये बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, ये बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, ये बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। इसके इनके प्रत्येक सदस्य को, इनके प्रत्येक सदस्य को, इनके प्रत्येक सदस्य को इनके प्रत्येक सदस्य को दल कहा जाता है, इनके प्रत्येक सदस्य को दल कहा जाता है। ये हरे रंग को छोड़कर
अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। ये हरे रंग को जोड़कर किसी भी अन्य रंग के हो सकते हैं, ठीक है। इन हरे रंग के अलावा ये किसी भी रंग के हो सकते हैं, पीले, लाल, किसी भी प्रकार। इन रंगों के कारण क्या होता है, इन रंगों के कारण कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं तथा पर परागण या परागण की क्रिया करवाते हैं। तो ये है हमारे सहायक अंगों के बारे में, जो बाह्य दल और दल। ये बाह्य दल क्या होता है, सबसे बाहर वाला अंग होता है जिसका रंग हरा होता है, और ये अन्य अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है, क्योंकि अन्य जो भी अंग होते हैं वो बाह्य दल के अंदर पाए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा तो ये करेगा ही करेगा, सिंपल सी लॉजिक सी बात। फिर बाह्य दल पुंज के प्रत्येक सदस्य को बाह्य दल कहते हैं। इस बाह्य दल पुंज जो लगभग इस प्रकार से अपन देखते हैं, किसी पुष्प के नीचे जो हरे कलर का जो भाग होता है, ठीक है, वो पाया जाता है, और वो हर पुष्प में वो हरे रंग का ही हो, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज के प्रत्येक सदस्य क्या क्या करता है, बाह्य दल कहते हैं। दलपुंज क्या होते हैं, ये बाह्य दल के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। बाह्य दल के अंदर की तरफ जो रंगीन संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्या होती है, दलपुंज होती है। इनके प्रत्येक सदस्य को दल कहा जाता है, इनके प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। ये अनेक रंगों से रंगों के होते हैं, ये हरे रंग के अलावा किसी भी रंग के हो सकते हैं, ठीक है। और इन रंगों के कारण कीट पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं और क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, कौन सी, परागण की क्रिया करते हैं। तो ये हमारे पुष्प के बारे में आज था, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा के भाई आज अपन ने पत्ती के रूपांतरण के बारे में पढ़ा, पत्तियों के कार्य के बारे में पढ़ा, फिर पत्तियों के अंगों की शुरुआत हमने की, जिसमें आवश्यक अंग सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग हमने पढ़े हैं। आने वाली क्लास में अपन इसके आवश्यक अंगों के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी अंगों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, और रूपांतरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ा है अपन ने आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।